नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका सबकी शिक्षा के YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कहानियों की पुस्तक पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करें। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि इंसान की सबसे अच्छी दोस्त किताबें होती हैं। किताबों में ही वह खजाना छिपा होता है जिसे कोई नहीं लूट सकता। पर आज टेक्नोलॉजी के इस नए ज़माने में किताबों के साथ हमारा रिश्ता थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। आजकल के बच्चों का समय किताबें पढ़ने या फिर बाहर दोस्तों के साथ खेलने कूदने की बजाय स्मार्टफोन और इंटरनेट के साथ ज़्यादा बीतता है। यही वजह है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आज यह बताना चाहते हैं कि बच्चों को किताबों से दोस्ती कैसे कराएं। चलिए पहला आपको बताते हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उन्हें हर रात सोने से पहले कोई दिलचस्प कहानी सुनाएं। इससे बच्चों को नींद भी अच्छी आएगी और उनकी कहानियों में रुचि भी बढ़ेगी। दूसरा उपाय, उन्हें अलग अलग तरह की कहानियों की रंग बिरंगी किताब उपहार में दें और साथ ही उन किताबों के बारे में बच्चों से बातचीत भी करें। तीसरा उपाय, बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, तो अगर आप भी अपने खाली समय में कोई किताब पढ़ेंगे तो इससे बच्चों को भी किताब पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। चौथा उपाय, कहानी पढ़ने के बाद आप बच्चों से कह सकते हैं कि अगर वो इस कहानी को थोड़ा सा बदलना चाहते तो कैसे बदलते। यह बात वो आपको बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। पांचवा उपाय, बच्चों को न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या फिर कैलेंडर में छपी तस्वीरें दिखाकर आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें इस तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है या फिर तस्वीर में जो व्यक्ति है वो आपस में क्या बात कर रहे होंगे। इससे उनकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी। छठा उपाय, हो सके तो बच्चों को लाइब्रेरी या बुक स्टोर लेकर जाइए और वहाँ जाकर आप अपने लिए भी किताब लें और बच्चों को भी कहें कि वो खुद अपने लिए कोई अच्छी सी किताब चुन कर लाएँ और उन्हें वो खरीदवाएं। शुरुआत में तस्वीरों वाली किताबों से शुरू करें, धीरे धीरे बच्चे खुद ही अन्य किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। आठवां उपाय, आप अपने बच्चों के दोस्तों को भी घर पर बुला सकते हैं और एक रीडिंग पार्टी रख सकते हैं। बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ जल्दी सीखते हैं। नौवां उपाय, शुरुआत में कोई मज़ेदार और रोचक सी कहानी पढ़कर बच्चे को सुनाएं और यह ना बताएं कि अंत में क्या हुआ। फिर आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि आगे क्या हुआ, तब आप उनसे कहिएगा कि खुद पढ़कर पता लगो। दसवां उपाय, बच्चों के साथ कहानियों के ऊपर डिबेट या बहस करें, इससे भी बच्चों की रुचि बढ़ेगी। धन्यवाद, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपाय पसंद आए होंगे। आपके इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी बातें सुने और अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आए।